तो अगर मैं कहूँ ना कि मैंने हमेशा अपने आसपास देखा है कि यू नो हमारी जो रीडिंग हैबिट्स हैं हम भारतीयों की, वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही पुअर है, और हम ना अपना सारा टाइम यू नो किसी भी तरह के एंटरटेनमेंट में लगा देंगे, भले ही हम टीवी देख लेंगे, सीरियल देख लेंगे, इधर उधर की मूवीज़ देख लेंगे, बट जहाँ पर बात आती है ना कि आप अच्छे से अपने यू नो स्क्रिप्चर्स को रीड कर लो, तो वो लोगों से नहीं होगा, वो कहेंगे कि अभी उनका टाइम नहीं आया है। वहीं पर जहाँ हम यू नो इधर का कल्चर देखते हैं, तो यहाँ पे लोग जो हैं वो काफ़ी बुक पकड़ के रहते हैं, भले ही ठीक है वो नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, इधर उधर का जो भी फिक्शनल नॉन फिक्शनल जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ते हैं, बट एटलीस्ट दे रीड। बट वहीं पे जब हम भारतीयों की बात करें ना, तो उनका ये होता है कि वो टीवी देख लेंगे, वो इधर मूवीज़ जाके 3-4 घंटे उधर स्पेंड कर देंगे, बट स्क्रिप्चर्स यू नो वो उनके पास टाइम नहीं होता वो पढ़ने के लिए। और भारत जो है हमारा शास्त्र ही है यू नो जो भारतीय कल्चर को, भारत को, भारतीयों को बहुत स्पेशल बनाता है, और हम वही नहीं पढ़ते हैं। और यू नो काफ़ी पहले से ही ये जो चीज़ है वो मिस होती जा रही थी, हमारे यू नो हमारे जो भी एंसेस्टर्स रहे हैं उनसे भी ये सारी चीज़ें मिस होती जा रही थी, बट आज जब इस तरह का हमें प्लेटफॉर्म मिला है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी चीज़ें जान सकते हैं, तो भी हम यू नो ये इस पर अपना टाइम स्पेंड करना यू नो ज़रूरी नहीं समझते। लाइक मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स, सीनियर्स, जूनियर्स, अपने रिलेटिव्स को बोलने की कोशिश करी कि प्लीज़ रीड स्क्रिप्चर्स, आप तो मतलब यू नो जो भी रामायण, महाभारत, भागवत गीता, भागवतम, जो भी वेद है वो आप पढ़ो, बट उनका एक ही आंसर होता है कि उनके पास टाइम नहीं है। और वहीं पे वही लोग मूवीज़ में जाके 3-4 घंटे स्पेंड करते हैं, इधर उधर का यू नो मैसेजेस व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करेंगे, दुनिया भर की इधर उधर की वीडियोस फॉरवर्ड करेंगे। तो ये जो रीडिंग हैबिट्स हैं ना, वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सुधारने की। और यू नो कितने लोगों की मेंटालिटी होती है कि अरे अभी हमें हमारे दुनिया भर के एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, दुनिया भर का हमारा कोर्स का पढ़ना है, तो ये सब पढ़ने का अभी हमारा टाइम नहीं आया है, जब हमारा टाइम आएगा तब हम पढ़ लेंगे, लाइक 60-65 के जब होंगे तब पढ़ लेंगे। तो सी ये जो हमारे स्क्रिप्चर्स है ना, वो आपको पूरे रटने नहीं है, आपको कोई नहीं बोल रहा है कि आप पूरा रटो इसे, आपको एक एक श्लोक, एक एक उसका तात्पर्य, अर्थ, दिस दैट सब आपको याद होना चाहिए, है ना, वो नहीं बोल रहा है कोई, इसे आप पढ़ोगे उसे बस आपको अपनी लाइफ में उतारना होता है, दैट्स इट, उसे कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसे आप पढ़ो समझो और यू नो आप उसे अपने आप में उतार लो। एंड यू नो ये ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई एक दिन में बुक बैठ कर सारी यू नो किताब पढ़ने के लिए बोल रहा है, आप एक दिन में एक श्लोक पढ़ सकते हो, एक पेज पढ़ सकते हो, 5 से 10 मिनट लगेंगे पढ़ने में, और वो 5 से 10 मिनट भी लोगों के पास नहीं होते हैं या फिर लोग निकालना नहीं चाहते हैं। सो ये जो चीज़ है ना, वो यू नो आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट कि कोई स्टूडेंट है या कोई ऑफिस जा रहा है, वर्किंग है, या फिर कोई, मैं हर किसी की बात कर रही हूँ, इवन दिस इज़ फॉर हाउसवाइफ। हाउसवाइफ को हमेशा लगता है कि अरे हम तो हाउसवाइफ है ना, हम तो टीवी देख लेंगे, ये कर लेंगे, नहीं, ये तो सबसे पहला कर्तव्य जो है वो हाउसवाइफ का है, क्योंकि आप पूरे घर को इतने अच्छे से संभाल रहे हो, तो जब आप स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे देन आप सोचिए कि आपको कितने अच्छे से आप घर संभाल सकते हैं, कितने अच्छे से आप वो संस्कार जो है अपने घर के परिवार के लोगों में दे सकते हैं। तो इसीलिए जो स्क्रिप्चर्स, रीडिंग स्क्रिप्चर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये मुझे एक्चुअली मेरी लाइफ में बहुत देर में समझ में आया, और इसलिए मैं इसे स्प्रेड करना चाहती हूँ, और दैट्स वाई यू नो मैंने हमेशा ट्राई किया सबको बोलने का, ये चीज़ लोगों को समझाना कितना मुश्किल है। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू हो सकता है आप लोगों को ये समझ में आए, और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करिएगा लोगों के साथ। एंड अगर आप स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ते, पढ़ना चाह रहे हैं, यू नो पढ़ने का प्लान कर रहे हैं, देन यू नो यू शुड डेफिनेटली गो नाउ, एंड आपको अब भी बैठ के पढ़ना चाहिए, एंड यस स्प्रेड दिस काइंड ऑफ मैसेजेस कि हम हमारी स्क्रिप्चर्स पढ़ें। यस रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग स्क्रिप्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कोई भी हो, वर्किंग हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, प्लीज़ रीड स्क्रिप्चर्स।